ठीक है, हो गया अब ओके. सो हम लोगों ने काफ़ी कुछ रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स की बात कर रहे थे. अभी तक हम लोगों ने काइनेमेटिक क्वांटिटीज़ के बारे में खूब सारी बात की थी कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो भी चेंज होता है. बाकी सारी क्वांटिटीज़ जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज नहीं होती, इस टाइप का कुछ लग रहा था. डॉपलर इफेक्ट वगैरह की बात की. और फिर इस पूरे प्रोसेस में एक नया एडिशन हम लोगों को मिला मोमेंटम का. मोमेंटम होता है गामा वी एम नॉट वी वेक्टर के बराबर. ठीक है, ये नया फॉर्मूला मिला. और एसेंशियली व्हेन वेलोसिटी टेंड्स टू जीरो गामा टेंड्स टू वन हो जाता है, इस तरह की बात होती है. ठीक है, सो मोमेंटम के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन निकाल लिया. मोमेंटम के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल ली. और क्या इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कंजर्व क्वांटिटी जो होता है, एनर्जी कंजर्व क्वांटिटी होता है, तो एनर्जी के बारे में देखते हैं क्या कर सकते हैं. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे ग्रेविटेशन वगैरह या दूसरे फोर्सेस जो है उसकी बात अभी तक हम लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है. फोर्सेस से अभी दूर हैं हम लोग. मोमेंटम की बात कर ली, मोमेंटम से कहीं ना कहीं फोर्स रिलेट हो जाता है. ठीक है, फिलहाल हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं. तो एम नॉट मास का कोई बॉल है, ठीक है, वो रुका हुआ है. रुका हुआ है, इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? जीरो होगी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी देना है तो क्या करेंगे? इधर से धक्का देना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा. फोर्स लगाएंगे, उसके हिसाब से टाइम के साथ साथ एनर्जी बढ़ती जाएगी, ऐसी कुछ बात आपको पता है. ठीक है, तो फोर्स वगैरह लगाते हैं. फोर्स कर लगाएंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो होगा वर्क डन के इक्वल होगा. ठीक है, तो आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, तो ये एसेंशियली होता है वर्क डन के बराबर. ये होता है इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स के बराबर. ठीक है, एफ डॉट डी आर के बराबर बोल देते हैं, या डी एक्स, चलो डी एक्स ही चलाते हैं फिलहाल. ठीक है, और ये चीज़ एसेंशियली हो जाएगा आपका इंटीग्रल एफ क्या होगा, डी पी बाई डी टी डॉट डी एक्स. ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या चीज़, ये बन जाएगा आपका डी एक्स बाई डी टी. क्या होता है? वेलोसिटी. ठीक है, तो एसेंशियली ये जो फॉर्मूला बन गया, ये बन गया डी पी डॉट वी का इंटीग्रेशन जो है ये वर्क डन होगा, हो जाएगा. ठीक है, अब डी पी डॉट वी, डी पी डॉट वी एसेंशियली इसको आप बोल सकते हैं डी ऑफ पी डॉट वी माइनस, माइनस क्या आएगा, माइनस, हाँ, पी डॉट डी वी. ओके, सो माइनस ऑफ पी डॉट डी वी. ठीक है, ये आ जाएगा एसेंशियली. इसकी जगह में ये सारा कुछ रख देते हैं, तो जो वर्क डन, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा उसको एक्सेलरेट करने से, या एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं क्योंकि शुरू में काइनेटिक एनर्जी जीरो था, ऐसा मानते हुए हमने इस पर कुछ वर्क किया, इतना वर्क किया वगैरह वगैरह. ठीक है, सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पी डॉट वी तो ऐसा रह जाएगा. ठीक है, पी डॉट वी का डी ऑफ पी डॉट वी इंटीग्रेट करेंगे तो केवल पी डॉट वी आ जाएगा. ठीक है, तो इनिशियल फाइनल और फिर माइनस इंटीग्रल वेक्टर पी डॉट डी वी. ठीक है, डी वी. अब वेक्टर पी कितना है? क्या चीज़ है वेक्टर पी? मोमेंटम वेक्टर है. यहाँ पे अब एम वी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब ये नया वाला जो फॉर्मूला है वो सारा चलेगा. वो सब छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब रिलेटिविस्टिक है ज़माने की कहानी. ठीक है, सो उसके हिसाब से सारा हिसाब लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको एक रिज़ल्ट मिलेगा. अब फिर वो इंटीग्रेशन वगैरह मैं नहीं कर रहा. गामा वी एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन. ठीक है, कौन कैसे आ गया? आया, वो देख लेना आप. ठीक है, गामा वी में वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, सी स्क्वायर छुपा हुआ है वहाँ कहीं से घूम फिर के आ गया. ठीक है, तो हिसाब लगाया हम लोगों ने और इस तरीके से मिला. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, पुराना फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम
वी स्क्वायर, ठीक है। इसमें कितना टर्म है? एक ही टर्म है, और वहाँ नया जो सिस्टम है उसमें दो टर्म है, ठीक है, दो अलग अलग टर्म दिख रहे हैं। अब इसमें से एक टर्म जो है, ये टर्म में आपको स्पीड की डिपेंडेंसी दिख रही है, जबकि जो दूसरा टर्म है इसका स्पीड से कोई वास्ता है ही नहीं, ठीक है। किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है ये? केवल रेस्ट मास पे डिपेंड कर रहा है, जो बॉल है कितना मास का है वो बता दो, स्पीड ऑफ लाइट तो यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो एसेंशियली ये जो टर्म है, ये टर्म स्पीड से इंडिपेंडेंट टर्म है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, और धक्का देते देते इस बॉल को मैं किसी भी स्पीड पे पहुंचा दूं, जब मेरे को काइनेटिक एनर्जी का हिसाब लगाना होगा, तो एक स्पीड डिपेंडेंट वैल्यू से एक कांस्टेंट वैल्यू को मेरे को माइनस करना पड़ रहा है, चाहे स्पीड बहुत कम हो चाहे स्पीड बहुत ज़्यादा हो, कुछ ऐसा रिजल्ट ये बोल रहा है। तो ये कांस्टेंट ही एसेंशियली है क्या? ये कुछ क्वेश्चन रेज करता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भाई इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, और तो फिर तो चलो ये तो एक रिजल्ट बन गया आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इतना होता है, ठीक है, या उससे अच्छा रिलेशन अभी मिल जाएगा। तो हमने कहा कि भाई काइनेटिक एनर्जी में कुछ ऐड कर दो। अब ये जो ऐड कर रहे हैं इसके डायमेंशंस बता सकते हैं? एनर्जी का डायमेंशन रहेगा डायमेंशनली, और कुछ तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये दोनों को ऐड करने पे जो क्वांटिटी बनती है, ये क्वांटिटी के बारे में आप एसेंशियली कहते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये स्पीड डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। और इस क्वांटिटी को हमने क्या कह दिया? काइनेटिक एनर्जी प्लस समथिंग इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। और फिर ये जो टर्म था जो एक कांस्टेंट आ रहा था, केवल रेस्ट मास पे डिपेंड करता है, तो इसको हमने कह दिया रेस्ट एनर्जी, ठीक है। इसको इधर लेकर जाते हैं और लिखते हैं E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, जो चीज़ आप लोग बहुत टाइम से देखते आए हो। M क्या चीज़ है? M एसेंशियली रेस्ट मास नहीं है, ये परसीव्ड अपरेंट मास उसको कह सकते हैं, हालांकि ऐसे डिफाइन नहीं किया जाता। एसेंशियली ये M जो है, हाँ, सो गामा वी एम नॉट के बराबर है, या उस फॉर्म में बोले, जिस भी फॉर्म में बोले। तो हमने कहा कि इस चीज़ को कह देते हैं टोटल एनर्जी, ठीक है। अब बाद में एक्सपेरिमेंटली और अदरवाइज भी चेक किया गया कि जो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में चेंजेस है, और अगर मान लिया काइनेटिक एनर्जी में स्पीड में कोई चेंज नहीं होता, स्पीड में चेंज नहीं होता, बट जो मास है वो चेंज हो जाता है, तो देखा गया कि वो जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और एसेंशियली जितने मास का लॉस हुआ उतनी एनर्जी पैदा होगी। ऐसा एक्सपेरिमेंटली और अदरवाइज बहुत सारे तरीकों से देखा गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमको फॉर्मूला मिल गया यहाँ से। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, अब सीधे सीधे लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से याद रखने की ज़रूरत नहीं, एनर्जी होता है आपका गामा एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा, गामा वी एम नॉट सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी में से रेस्ट एनर्जी हटा दो, सॉरी टोटल में से रेस्ट एनर्जी हटा दो, जो बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी। हाँ, पूछ रहे थे काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया, तो हमने कहा रुका हुआ था उसको हम धक्का दे रहे हैं, हमारी पसीने छूट रहे हैं, कितना पसीना छूटा, तो हम निकालेंगे वर्क डन के फॉर्मूले से, वही चीज़ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब ये कैसे आया? यहाँ से ही आ गया, वो बीच का तुम देखो इंटीग्रेशन आता है ना, सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई बड़ा नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, सब कुछ होके सब होके ये आ जाएगा, ठीक है। सो सिंपली रिलेशन आ गया इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। तो बाकी कचरा मिटाओ, मिटा दूँ बाकी कचरा कहाँ से? यहाँ से ये कैसे आया कि नहीं, कौन सा डी पी डॉट पी है ना, ऊपर एम डी पी।
हाँ तो ये डी पी डॉट वी, तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, पी डॉट वी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी डी पी प्लस पी डी वी होगा, सारा एडजस्ट करके कुछ ऐसा आ जाएगा। ये बड़ी चीज़ नहीं है, मैथमेटिक्स है। कंसेप्ट क्या लगाया, धक्का दिया कुछ स्पीड गेन हुई, मतलब जितना हमने वर्क डन किया होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी रही होगी, ये कॉन्सेप्ट है, बाकी सब मैथमेटिक्स है। गामा वी एम नॉट सी स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी है, कौन हाँ टोटल एनर्जी में से रेस्ट एनर्जी घटा दो, जो बचा वो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले टोटल निकाल के फिर वो इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, वो सारी बातें अदरवाइज है, ये सब हटा दूं, हटा रहा हूँ मैं। कुछ प्रोफाउंड कुछ खतरनाक इसमें नहीं है, सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी से हमने निकाला है ये सारा रिजल्ट। इसको रहने देते फिलहाल, डस्टर नहीं दूसरा बोर्ड भी, दूसरा मतलब सफाई करवानी पड़ेगी, दूसरा नहीं लाना है, देखो ना पूरा कलर चेंज हो गया है। ओके सो ठीक है, तो ये सारी बात हो गई एनर्जी के बारे में। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक क्या चीज़ है, नेक्स्ट है हमारा एनर्जी की बात हो गई, अच्छा हाँ इसी के रिलेशंस बनाने अपने को। अच्छा हाँ टोटल एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस हो गया, ठीक है ओके। सो हमको क्या पता चला, टोटल एनर्जी टाइप की कोई चीज़ होती है जो गामा वी एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर होती है, मोमेंटम टाइप का कोई चीज़ होता है जो कि गामा वी एम नॉट वी के बराबर होगा। ठीक है, एनर्जी मोमेंटम, इससे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब पुराने समय में काइनेटिक एनर्जी को आप सीधे सीधे कहते थे पी स्क्वायर बाय 12, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के साथ कुछ और जोड़ गया है और फिर उस जोड़ को हमने कहा है टोटल एनर्जी। ठीक है, और उसका मोमेंटम से क्या रिलेशन होगा तो आप चेक कर सकते हैं, सारा हिसाब लगाएंगे मैथमेटिकली, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू 4, ये रिलेशन फॉलो होगा। ठीक है, और ये बहुत काम का रिलेशन है। कैसे आया, कुछ नहीं है मैथमेटिक्स है, कोई कॉन्सेप्ट इसके पीछे नहीं है, हमको ई पता है हमको पी पता है, इधर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हमको मिल जाएगा। एसेंशियली इससे काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू 4, ये टोटल एनर्जी माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, गामा वी एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, जिसमें इसको कहा था टोटल एनर्जी, मतलब दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, ये हो गया था टोटल एनर्जी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी आप मेरे को स्पीड बता दो, मैं इस फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी बता दूंगा अपनी नई दुनिया में। ठीक है,
अब मैं अगर पूछूं कि v की वैल्यू, अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएंगे, जितने ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी हमको देने पड़ेगी, इतना हमको समझ में आता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ v इक्वल्स टू c करने के लिए कितनी काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, या कितना बाहर से वर्क करना पड़ेगा, इसका मतलब v इक्वल्स टू c करने के लिए, c की स्पीड से किसी बॉल को मूव करवाने के लिए जो कि शुरू में रेस्ट पे था। कैसे जीरो? गामा जीरो होगा, कितना होगा? गामा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी कोशिश है कि आप किसी बॉल को एक्सेलरेट कर करके सी की स्पीड में पहुंचा दो, तो उसके लिए आपको एसेंशियली इनफाइनाइट एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को सी की स्पीड प्रोवाइड कर पाओ, ये ऐसा कभी होगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा लाइट के बारे में बोलते हैं। लाइट तो भाग रहा है सी की स्पीड से, लाइट तो भाग रहा है सी की स्पीड में, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो हाँ, तो मैटर के केस में तो हम सारा हिसाब लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ को हम सी की स्पीड में पहुंचा ही नहीं सकते। लाइट सी की स्पीड में पहुंच गया, ठीक है, पहले से पहुंचा हुआ है, उसको भी देखना पड़ेगा ना क्या हुआ, क्या हो रहा है उधर। ठीक है, तो लाइट की एनर्जी की बात करते हैं, लाइट की टोटल एनर्जी पता लगाओ। तो टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई लाइट की टोटल एनर्जी अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो गामा सी एम नॉट सी स्क्वायर, लाइट का मास और लाइट का गामा सी वाला हो जाएगा। गामा सी कितना है? इनफाइनाइट है, या आप कह रहे हैं, हाँ चलो ठीक है, इनफाइनाइट ही लिख कह देते हैं, गामा सी इनफाइनाइट है। ठीक है, लाइट की एनर्जी कैसे कितनी होती है? एच न्यू वगैरह होती है, ज़ीरो होती है क्या? इनफाइनाइट होती है क्या? कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ इस साइड में समथिंग फाइनाइट है, ठीक है, सी तो चलो कांस्टेंट है तो वो तो कभी चेंज होना नहीं है। आप कह रहे हैं जो गामा सी है टोटल एनर्जी, अगर फॉर्मूला ये लगाना है, गामा सी तो इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को कोई फाइनाइट क्वान्टिटी मिल जाए? वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है? ज़ीरो। ठीक है, तो जब आप इन्फिनिटीज़ की बात करते हैं, ठीक है, जब आप कहते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कितना होगा? इनडिटर्मिनेट इसको बोलते हैं। इनडिटर्मिनेट क्यों बोलते हैं? वो तो ऑब्वियस ही बात है, ब्रिलियंट। ठीक है, डिटरमाइन तो नहीं किया जा सकता, क्यों? मतलब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो सकता है ये चीज़, ऊपर वाला बड़ा हो सकता है, नीचे। हाँ, तो इन्फिनिटी भी बड़ा छोटा ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, हर इन्फिनिटी बराबर नहीं होता, तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाए। ठीक है, ये इन्फिनिटी बड़ा हो गया तो ये ज़ीरो आ जाएगा, और हो सकता है कि ये ऊपर वाला इन्फिनिटी डोमिनेट कर जाए तो इन्फिनिटी हो जाए। हो सकता है दोनों इन्फिनिटी ऑलमोस्ट इक्वल हो, आपस के हो, कुछ फाइनाइट दोनों के बीच में रिलेशन हो, तो कोई फाइनाइट क्वांटिटी भी आ सकती है। ठीक है, इसका मतलब एम नॉट को क्या होना पड़ेगा? एम नॉट को, तो भाई लाइट के लिए हम कह रहे हैं, लाइट के लिए हम कह रहे हैं कि उसका जो गामा है वो तो इनफाइनाइट है और एनर्जी फाइनाइट है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करें कि ये इनफाइनाइट ना रहे, फाइनाइट हो जाए। तो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ज़ीरो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या इनफाइनाइट से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब जब आप लाइट की बात करते हैं तो लाइट का जो एम नॉट है, जिसको हम रेस्ट मास कहते हैं, लाइट के लिए वो हमेशा ज़ीरो होगा, या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट। नहीं नहीं, मतलब तेरे को पता है कैसे ये कॉल आया, तो खैर मैं क्लास ले लेता हूँ और कार्ड बोर्ड को, ठीक, हाँ। सो ठीक है, सो एसेंशियली क्या ज़रूरी है कि रेस्ट मास,
अगर कोई भी पार्टिकल है यूनिवर्स में, ये सिर्फ लाइट की बात नहीं है, अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है तो ज़रूरी है कि उसका मास जो है वो ज़ीरो हो, रेस्ट मास ज़ीरो हो, ठीक है। तो लाइट का रेस्ट मास ज़ीरो होगा, मतलब ऑफ कोर्स मैटर ये काम नहीं कर सकता। अब इस जो चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने वाली है वो मैटर नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो लाइट हो जाएगा या वो ग्रेविटेशनल पार्टिकल, अगर आप कुछ इमेजिन करो, ठीक है, तो वो हो सकता है, उसका भी मास मासलेस आएगा, रेस्ट मास उसका भी ज़ीरो आएगा, ठीक है। उसके पास भी मोमेंटम हो सकता है, उसके पास एनर्जी हो सकती है, बट उसका रेस्ट मास ज़ीरो होगा, ठीक है। बाकी इसके फर्दर जो इम्प्लीकेशंस है, रेस्ट मास ज़ीरो लाइट का, इसका क्या मतलब है, लाइट का मास का मैं कभी ज़ीरो कर सकता हूँ क्या, लाइट के साथ चलने की कोशिश कर सकता हूँ क्या, ये सब चीज़ें आप पेंडिंग रखिए, उतने डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। जनरल रिलेटिविटी आ जाता है उसमें। टोटल एनर्जी, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, टोटल एनर्जी जो है हमको फाइनाइट करना है। हाँ, ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप की चीज़ है। हाँ, एसेंशियली हम कह रहे हैं कि इन्फिनिटी को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो तो ये जो वैल्यू होती है ये इनडिटर्मिनेट होती है, जिसको हम मतलब सब कुछ हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है। नहीं, वैसा नहीं होता। इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो ज़ीरो होगा, नहीं ऐसा नहीं होता, इनडिटर्मिनेट होता है वो भी। बहुत वेल डिफाइंड कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं उस चीज़ को, जैसे हम लोग अभी बात किया ना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो इतना काफ़ी नहीं है, हमको और इन्फॉर्मेशन चाहिए बताने के लिए कि ये दोनों का रिलेशन कितना हो। तुम लोग को भगाओ, फिर सर से बात कर लूँगा मैं, वो टेंडर वाली बात है, खैर जो भी। हाँ, तो ये सारा सिचुएशन है, हमको क्या समझ में आ रहा है कि या तो अगर आप कह रहे हो कि किसी पार्टिकल का मास नॉन ज़ीरो है तो उसके पास स्पीड ऑफ लाइट में वो कभी ट्रेवल नहीं कर सकता, उसको आप वो स्पीड दे ही नहीं सकते, ठीक है। या फिर अगर आपको पता है कि कोई पार्टिकल अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है, ठीक, तो उसका मास ज़ीरो होगा ही होगा, रेस्ट मास, उसका रेस्ट मास ज़ीरो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई। अब ये ग्रेविटेशनल इन जो वेव्स तो नहीं बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करेगा, उसका भी रेस्ट मास ज़ीरो होगा, इस तरह की हाइपोथेसिस इससे आई है। बाकी डिटेल्स हायर फिजिक्स में, ठीक है। लाइट का मूविंग मास कितना होता है, मूविंग मास नहीं, क्यों, लाइट के मास के टर्म्स में हम लोग बात नहीं करते, लाइट के सीधे सीधे एनर्जी के टर्म्स में बात करते हैं, जिसको आप एच न्यू के टर्म्स में बोलते हैं, और उसका इफेक्ट इन द सेंस लाइट किस तरीके से, मतलब लाइट का क्या करते हैं आप, लाइट को आप वेइंग मशीन में रख के नहीं तौलते, ठीक है। तो अगर वैसा कुछ होता तो फिर मतलब उसका सिग्निफिकेंस, एसेंशियली लाइट से इंटरेक्ट तो आप करते हैं, लाइट में कुछ मोमेंटम होता है, तो लाइट का मोमेंटम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइट की एनर्जी इम्पॉर्टेंट है, लाइट का मास उसका कोई मीनिंग, यूज़फुल मीनिंग नहीं है। आप कहने के लिए कह देते हैं किसी किसी केस में मैथमेटिकली ई बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू मास ऑफ लाइट, और ई को आप एच न्यू रख देते हो, एच न्यू बाई सी स्क्वायर उसका इफेक्टिव मास हो गया, मैथमेटिकली ही ये रिलेशन कभी कभी काम आता है, बट एसेंशियली जब मोस्टली आप या तो उसका मोमेंटम या एनर्जी यूज़ करते हो, ठीक। हाँ ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट था एक, ओके इसको हटाओ, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो, क्या करो आगे, तो आपके पास, हाँ तो ये दोनों बातें हो गई है। अच्छा, लाइट के लिए, लाइट का हमने कहा रेस्ट मास ज़ीरो होता है, और लाइट के लिए ये रिलेशन वैलिड है, तो इससे लाइट के लिए हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ई क्या हो जाएगा, एम नॉट क्या है लाइट के लिए, ज़ीरो है, लाइट के लिए ज़ीरो है, ठीक है। मैटर के लिए ये चीज़ वैलिड है, लाइट के लिए सिंपली E इक्वल्स टू पी सी हो जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ज़ीरो, ई इक्वल्स टू पी सी में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ लाइट या किसी भी मासलेस पार्टिकल्स के लिए ये चीज़ वैलिड है, ओके। अब हमने मोमेंटम की जो वैल्यू निकाली है, एनर्जी का जो फॉर्मूला निकाला है, इनमें हम कंजर्वेशन लॉस लगा सकते हैं,
बल मतलब पॉज है, ओके ठीक है हाँ। सो क्या कर रहे थे हम लोग, तो ये एनर्जी की मोमेंटम की खूब सारी बातें हो गई, इसको यहाँ पे बंद करो ठीक है। हम लोग जाते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, टाइम बताएंगे 5 बजे, अरे बहुत टाइम अभी तो। अब थोड़ा कंसेप्ट वाला पार्ट थोड़ा सा आ जाएगा और उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ओके। सो काफ़ी सारी बात हम लोगों ने, काफ़ी सारी नहीं, एनर्जी मोमेंटम आपस में रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी और कॉन्सेप्चुअली लाइट में कुछ एनर्जी का बिहेवियर ऐसा होता है, मैटर को कभी आप लाइट की स्पीड में नहीं ले जा सकते, इस तरह के रिजल्ट्स हमने देखे हमारे एग्जांपल्स में ठीक है। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं, ओल्ड पैराडाइम में ऐसा होता था, न्यू पैराडाइम में ऐसा होता था। एक बड़ा फर्क ये भी आया कि ओल्ड पैराडाइम में ऐसा होता था और न्यू पैराडाइम में ये जो पार्ट है वो चेंज हो गया, टाइम जो है वो सेम नहीं रहा फ्रेम चेंज करने से ठीक है। अच्छा, ओल्ड पैराडाइम में वाई जेड जो है ये वैसे का वैसा रहता था और टाइम भी वैसा ही बिहेव करता था, इन द सेंस वाई और जेड जो है प्राइम, इसको हटाओ यहाँ से सॉरी ठीक है। सो जो वाई और जेड डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है, y और z मतलब x डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन, उसमें स्पेशल क्या है, जो वेलोसिटीज है फ्रेम की वेलोसिटी है उस डायरेक्शन को हमने x डायरेक्शन कह दिया है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को हमने y डायरेक्शन z डायरेक्शन कह दिया है। तो न्यूटोनियन दुनिया में y और z एसेंशियली इंडिपेंडेंट डायरेक्शन हम ऐसा कहते थे, टाइम भी इंडिपेंडेंट हुआ करता था। अब यहाँ पे वही चीज़ y और z के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस तो कह पा रहे हैं बट टाइम के बारे में हम क्या कह रहे हैं, टाइम कुछ डिपेंडेंट टाइप की चीज़ लग रही है, टाइम और स्पेस, टी तो टाइम वाली चीज़ है, एक्स स्पेस वाली चीज़ है, स्पेस वाली चीज़ है और ये टाइम वाली चीज़ है, तो स्पेस और टाइम क्या जुड़े हुए हैं, इस टाइप का कुछ थॉट आता है, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। अच्छा, मिक्सिंग की बात करते हैं, एक्स और वाई क्या आपस में कभी मिक्स होते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको डिफाइन करना है ठीक है, मान लिया रूम का वो कॉर्नर जो है, बहुत से बार ये एग्जांपल यूज़ कर चुके हैं शायद हम लोग, रूम का वो कॉर्नर है ओरिजिन ठीक है, तो एक्स एक्सिस किस डायरेक्शन में होगा, पहले आप सही आंसर देते थे हाँ, कहीं किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में हो सकता है, हम डिफाइन करेंगे ठीक है। तो श्वेताब ने बोला कि x ये डायरेक्शन है, y ये डायरेक्शन है ठीक है, सही बोल रहा है श्वेताब, कोई और कुछ और बोल सकता है ठीक है। देवेंद्र बोल रहा है कि x ये डायरेक्शन है और y ये डायरेक्शन, तो ये श्वेताब वाला एक्स वाई और ये देवेंद्र वाला एक्स वाई ठीक है। तो क्या देवेंद्र के अनुसार जो x है वो श्वेताब के एक्स वाई पर डिपेंड करता है, रोटेशन ऑफ एक्सिस टाइप की तो चीज़ है, डिपेंड तो करेगा ही ना, मतलब हाँ चलो ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर ये एंगल थीटा पे रोटेटेड एसेंशियली कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो क्या इनके बीच में रिलेशन आपको पता है, तो आप कहते हैं एसेंशियली आप कह रहे हैं कि जो देवेंद्र के हिसाब से x है जिसको x प्राइम हम कह रहे हैं वो क्या हो जाएगा, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा ठीक है, और ये बताएंगे देवेंद्र के हिसाब से y क्या होगा, तो ये हो जाएगा x साइन थीटा माइनस में माइनस x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा
ये कुछ रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। अब उसको लिखने की कोशिश करते हैं, ये जो चीज़ें लिखी हुई है इसको लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्राइम इक्वल्स टू गामा टाइम्स, क्या लिखा है, x माइनस u गामा t लिखा हुआ है ना। ओके, सो हम लोग लिखते हैं गामा बीटा सी टी, ठीक है। और अब से हम लोग क्या करते हैं, सी टी को थोड़ा घुमा फिरा के एक्स वाई जेड डब्लू कर देते हैं फिलहाल इसको। अब से डब्लू इक्वल्स टू सी टी ऐसा कुछ देखने वाला है, ठीक है। बस लिखा हुआ है इस तरीके से, एसेंशियली डब्लू प्राइम क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू सी टी प्राइम है ऑफ कोर्स, W प्राइम इक्वल्स टू, वहां से फॉर्मूला बस बताना है आपको, ठीक है। तो C हमने एक्स्ट्रा लगा दिया है, गामा उसके साथ में था, तो गामा W माइनस बीटा बचेगा, बीटा गामा इंटू बीटा इंटू एक्स माइनस में, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास आया, चलो इसको थोड़ा घुमा देते हैं। x यहाँ पे था, w यहाँ पे था, x यहाँ, w यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस गामा बीटा x प्लस गामा w, हाँ क्या पूछ रहे हैं, बीटा u बाई सी है, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में हमने लिखा, ठीक है। अब इसमें और इसमें सिमिलैरिटी दिख रही है आपको, क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? तो आप कहोगे कॉस थीटा जो है वो गामा टाइप की कोई चीज़ दिख रही है, साइन थीटा जो है वो माइनस गामा बीटा टाइप की कोई चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो ऐसा कुछ लग रहा है, मतलब कुछ सिमिलैरिटी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक्सिस को आप स्पेस में रोटेट करते हो, तो एसेंशियली जब आप लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हो, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, अच्छा इसको लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये टर्म जो है आपको बुक्स वगैरह में हर जगह दिखाई देगा, मेरे अलावा हर दूसरे सेंटेंस में जो रिलेटिविटी पढ़ाता है वो हर दूसरे सेंटेंस में इस चीज़ को बोलता है। मैं पूरा चैप्टर जो यूनिट ख़त्म हो गए दूसरे बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोलते हैं। एसेंशियली ये क्या चीज़ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे स्पेस में रोटेशन होता था वैसे ही स्पेस टाइम में कुछ रोटेशन हो रहा है, कुछ इस टाइप का है सिस्टम, रोटेशन एटलीस्ट कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब उसको एनालाइज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है ये, अच्छा ये आपका है क्या, अच्छा ठीक है, वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो सब छोड़ो, मैथमेटिक्स छोड़ो, ओमेगा डैश हमने कहा सी इंटू टी को ओमेगा रख देते, अच्छा चलो इसकी और बात करते हैं, ठीक है। अब स्पेस और टाइम मिक्स होता दिख रहा है, तो सॉरी स्पेस और टाइम मिक्स होता दिख रहा है, आप स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसको कैसे डिनोट करते हो, कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब अगर स्पेस टाइम को मिक्स करना है, टाइम को भी अगर हमको उसको एकोमोडेट करना है, तो आप कह देते हो कि कॉमा टी ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अब एक्स के डायमेंशंस क्या है, मीटर्स में यूनिट्स है उसके, टाइम सेकंड्स में, तो अगर इसको ये स्पेस और टाइम को मिक्स टाइप का करना है तो दोनों को इक्वल फुटिंग में करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम जो है सेकंड्स में, उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें हम लोग, सामने एक जो यूनिवर्सल चीज़ है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसको लगा दिया, तो ये आप बन गया मीटर्स में, इसी चीज़ को हम W कह रहे हैं, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ W को भी मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा। एसेंशियली इसका एक और नोटेशन होता है कि हम जो टाइम वाला फैक्टर है उसको हम X0 कह देते हैं और बाकी X1, X2, X3, ठीक है। तो x0 जो है एसेंशियली सी टी है,
एक्स वन एक्स है, एक्स टू वाई है, एक्स थ्री जेड है, तो ये भी एक नोटेशन फॉलो किया जाता है। ठीक है, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हम स्पेस और टाइम को अलग रखते थे, टाइम का हिसाब अलग लगाएंगे, डिस्टेंस पोजीशन वगैरह का हिसाब अलग लगाएंगे, अब हम चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मिक्स हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने टाइम को भी इंक्लूड कर दिया, ये हो गया। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में तीन कॉम्पोनेंट्स होते थे, अब हम लोग नया वेक्टर, नए एक स्पेस टाइम में वेक्टर्स बना रहे हैं, पहले 3D स्पेस में बनाते थे, अब स्पेस टाइम में बनाएंगे, और स्पेस टाइम में जो वेक्टर्स होंगे उसके कॉम्पोनेंट्स चार कॉम्पोनेंट्स होने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्पेस टाइम में जो पोजिशन वैक्टर होगा उनके ये चार कॉम्पोनेंट्स होंगे एसेंशियली, पहले जो r वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप हुआ करता था, अब वो फोर वेक्टर नोटेशन में हो जाएगा, x i कैप प्लस x x कैप कह देते हैं, x ज़ीरो कैप प्लस y x सॉरी x वन कैप x टू कैप प्लस z x थ्री कैप प्लस सी टी एक्स फोर कैप, इस तरह से वेक्टर कहलाएगा आपका फोर वेक्टर। ठीक है, अच्छा, तो जैसे देवेंद्र और किससे पूछा था, श्वेताब से, दो लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया था। ठीक है, इस पेन की लेंथ लगभग कितनी है, 8 to 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, श्वेताब के कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर्स, देवेंद्र के कोऑर्डिनेट सिस्टम में 10 सेंटीमीटर्स। तो लेंथ टाइप की एक चीज़ है जो हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनवेरिएंट है, यानी कि आप कह रहे हो कि कितना हाथ में रखा हुआ है, ओके, सो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है जिसको आप एसेंशियली कह सकते हो, दोनों पॉइंट्स के बीच के एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल जेड का स्क्वायर, ये जो चीज़ है ये हर फ्रेम में हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम रहेगी, चाहे उसको कैसे भी घुमा फिरा दो, आप स्केल करने पे चेंज हो सकता है, बट जब तक आप स्केल ना करो, कोऑर्डिनेट सिस्टम घुमा रहे हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेंथ पे। ठीक है, यही कोशिश करते हैं, ये कोशिश करेंगे हम लोग, चलो वाई जेड को भूल जाओ, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, इसको निकालने की कोशिश करोगे, कंपेयर करोगे डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस प्राइम का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डेल्टा टी प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को कंपेयर करोगे, एसेंशियली हमने एक तरीके से स्पेस टाइम में रोटेशन किया है, तो क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल आएंगी, ये फॉर्मूले से चेक करो, मत चेक करो, नहीं आएंगी इक्वल। ठीक है, पर एक क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं डेल्टा एस स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर माइनस, ये चीज़ इनवेरिएंट आती है एसेंशियली। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जैसे आप देख रहे हैं ना, एक्स प्राइम जो है उसी चीज़ को किसी और फ्रेम से ऑब्जर्व किया गया, तो ये प्राइम बन गया, ये प्राइम बन गया। ठीक है, तो एसेंशियली अगर मैं इस फॉर्मूले को इस चीज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ और ये सारा कुछ पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा सॉल्व करने के बाद वो डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर आएगा मैथमेटिकली। पहले प्लस था, अब माइनस कर दिया। ठीक है, तो एक ऐसी क्वांटिटी देखने की कोशिश की, तो भाई ऐसा कुछ हुआ करता था स्पेस में जिसको हम लेंथ कहते हैं, जो कोऑर्डिनेट के रोटेशन पर डिपेंड नहीं करता, जो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, एक इनवेरिएंट चीज़ है लेंथ। ठीक है, ऐसा होता था वहाँ पे, तो हमने कहा स्पेस टाइम में भी हो सकता है ऐसी कोई क्वांटिटी हो। ठीक है, सीधे सीधे लेंथ ट्राई किया, स्पेस टाइम में रेंट टाइप की चीज़ डिफाइन की, नहीं हुआ। ठीक है, फिर ये एक क्वांटिटी है जो देखा कि ऐसा, ये कंजर्व्ड क्वांटिटी है। ठीक है, ये इनवेरिएंट है किसी भी फ्रेम में, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेस टाइम इंटरवल। तो डेल्टा एस है स्पेस टाइम इंटरवल। ठीक है, ये किसी भी फ्रेम में इनवेरिएंट होगा, स्पेस टाइम इंटरवल।
ठीक है, इसका फिजिकल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। डेल्टा एक्स क्या होता है, क्या होता है डेल्टा एक्स, ये एकदम शुरू की बात करते हैं, बीच में ये तो आगे की बात है। डेल्टा एक्स क्या होता था, दो इवेंट्स के बीच में जो दूरी है, ठीक है, डेल्टा टी क्या है, जो टाइम का डिफरेंस है दो इवेंट्स के बीच में वो डेल्टा टी है, ठीक है। डेल्टा एक्स प्राइम क्या है, मूविंग फ्रेम के हिसाब से जो डिस्टेंस है दोनों इवेंट्स के बीच में वो सेम नहीं मिलेगा, वो कुछ और मिलेगा, कितना मिलेगा, डेल्टा एक्स प्राइम मिलेगा। सिमिलरली दोनों फ्रेम्स के दोनों, ठीक, सो मूविंग फ्रेम के केस में अब टाइम भी चेंज होता है, दोनों इवेंट्स के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो पहले जितना नहीं रहता, कितना होता है इतना होता है, वैसे कुछ बात कर रहे हैं। अब ये दोनों जो क्वांटिटीज़ है, जो नए दो इवेंट्स के बीच में जो डिस्टेंस का डिफरेंस है, जो टाइम का डिफरेंस है, उनका इस तरह से आप कैलकुलेशन करते हैं, तो किसी भी फ्रेम में चले जाइए, किसी के हिसाब से भी ऑब्जर्व कीजिए, ये जो क्वांटिटी होगी ये हर फ्रेम में सेम मिलेगी, स्पेस टाइम इनवेरिएंट है, ठीक है, वहाँ पे। अब ठीक है, तो इसका मतलब जो पुरानी दुनिया में लेंथ हुआ करता था वो कांस्टेंट होता था, लेंथ क्या चीज़ था, तो आप कह रहे हैं डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप, ये दो पॉइंट्स के बीच में जोड़ने वाला अगर वेक्टर है, ठीक है, सो जो लेंथ है ये कांस्टेंट हुआ करता था पुराने दुनिया में, और ये चीज एसेंशियली है, अगर इसको आप डेल्टा आर वेक्टर कह देते हैं तो ये चीज़ डेल्टा आर डॉट डेल्टा आर के बराबर होती थी, ठीक है। तो वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऐसी चीज़ थी जो सेल्फ प्रोडक्ट पे इनवेरिएंट क्वांटिटी हमको दे रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आपके पास वेक्टर जो है, अब यहाँ पे चार कंपोनेंट्स आपके पास, दो वाई जेड को हटा दो, ठीक है, प्लस सी टी और एक्स नॉट कैप कह लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनवेरिएंट क्वांटिटी है वह एसेंशियली है डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर है, यानी कि जब आप स्पेस टाइम में डॉट प्रोडक्ट्स डिफाइन करेंगे तो वो कुछ, जब इस क्वांटिटी की बात होती है तो यहाँ पे एक माइनस आ जाता है, जब तक स्पेशल क्वांटिटीज़ की बात हो रही है तो प्लस रहता है, जैसे ही टाइम वाले क्वांटिटी की बात होती है तो माइनस आ जाता है। एसेंशियली आप कह रहे हैं कि अगर आपके पास स्पेस टाइम में दो वेक्टर्स हैं, फोर वेक्टर्स, एक वेक्टर है ए एक्स, चलो ए वन ए टू फॉर्म में ले जाते हैं इसको, ए वन एक्स वन कैप प्लस ए टू एक्स टू कैप प्लस ए थ्री एक्स थ्री कैप प्लस ए ज़ीरो एक्स ज़ीरो कैप, जो कि टाइम वाला हिसाब है, ठीक है, और सिमिलरली बी इक्वल्स टू बी वन एक्स वन कैप प्लस बी टू एक्स टू कैप। आप लोग मेरी राइटिंग से बिल्कुल अकस्टम्ड हो गए हैं मेरे ख्याल से, ठीक, मेरी राइटिंग से बिल्कुल अकस्टम्ड हो गए हैं, अब आपको पता है कि यहाँ पे ए टू ही लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है, किसी और स्क्रिप्ट में लिखा है, इंग्लिश भाषा चल रही है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब तो मैं सोच भी नहीं रहा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, और मैं खुद नहीं, मैं तो पढ़ लूँगा, खैर किसी को बुला लो बाहर से, केमिस्ट्री वगैरह वालों को, पढ़ के दिखा दो, चैलेंज दे दो। और फिर बी नॉट एक्स नॉट कैप, ठीक है, तो फिर स्पेस टाइम में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो डिफाइन किस तरीके से होगा, तो आप कहोगे ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री माइनस ए नॉट बी नॉट, ठीक है। तो ये फोर वेक्टर नोटेशन है, अलग अलग क्वांटिटीज़ को फोर वेक्टर में इस तरीके से डिनोट किया जाता है, बात करेंगे इसके बारे में फर्दर हम लोग, ठीक है।
फोर वेक्टर फॉर्म में मोमेंटम का क्या सिस्टम होता है वो एक इम्पॉर्टेंट है चीज़ है, बाकी सारे फोर वेक्टर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अलविदा। ठीक है, ओके, बंद कर दो इसको।